हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप में कलर और स्टाइलिश टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, व्हाट्सएप में ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसे आप मैसेज टेक्स्ट को कलरफुल और स्टाइलिश लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, हाँ आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने व्हाट्सएप में कलरफुल या और स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे ही ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप कलरफुल और स्टाइलिश टेक्स्ट बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप बॉक्स में टाइप करें स्टाइलिश टेक्स्ट। टाइप करने के बाद आप सर्च मारें। स्टाइलिश टेक्स्ट ओपन होने के बाद आप इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लें। ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप ऊपर जो यहाँ पर जो लिखा हुआ टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट टाइप करें। जैसे मैं टाइप करता हूँ गुड नाइट। टाइप करने के बाद नीचे की तरफ देखें, ये जो टेक्स्ट है गुड नाइट वो कितने स्टाइल के हैं। अब इसमें जो भी स्टाइल चूज करना है चूज कर ले। अब बगल में देखें व्हाट्सएप और मैसेंजर है। आपको व्हाट्सएप में शेयर करना हो तो आप यहीं से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। मैं एक चीज़ आपको एक और बता देता हूँ, अगर आप इसे कलर में सेंड करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर फर्स्ट में देखें टॉप में कलर में लिखा हुआ, आप इसे यहाँ से आप व्हाट्सएप में क्लिक करके। मैं इसके एक और फीचर के बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए राइट साइड में व्हाट्सएप और मैसेंजर है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप हाइक रखें या कोई और भी ऐप डाल दें, तो इसके लिए क्या करना है आपको टॉप में देखें राइट साइड में तीन डॉट है, आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेटिंग पे आए। सेटिंग का सबसे नीचे देखें ऐप शॉर्टकट, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करें। शॉर्टकट में आप जिस एप्लीकेशन को लाना चाहते हैं आप यहाँ से ला सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इसमें सिर्फ दो ही चीज़ रखें, एक व्हाट्सएप रखें और एक कॉपी रखें, फिर ओके कर दें, बैक चले जाए। देखें व्हाट्सएप और कॉपी है, आपके जैसे गुड नाइट लिखे हैं आप यहाँ पर सिर्फ कॉपी कर दीजिएगा तो आपका क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। और आप कहीं भी आप इसे पेस्ट करके आप स्टाइलिश और कलरफुल टेक्स्ट भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल वाले घंटे का ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचता रहे।